दोस्तों आज हम फिर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय 11.1 लेके आए हैं। आरबीएससी की 11.1 प्रश्नावली का प्रमेय जो है वो आज अपन सत्यापन करने जा रहे हैं। देखिए ये प्रमेय है अपनी 11.1। सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की एक भुजा की समांतर कोई रेखा खींची जाए तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। इसके लिए अपन सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल है आपका, मान लो ये एक एबीसी त्रिभुज लेते हैं। अब जब एक त्रिभुज की, तो बेटा एक त्रिभुज एबीसी लिया है, इसमें एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो त्रिभुज की अन्य दो तो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो अब ये त्रिभुज है, मानो ये त्रिभुज एबीसी है और इसमें इसकी बीसी भुजा के समांतर हम कोई रेखा खींच रहे हैं सीडी की। ये डीई रेखा समांतर खींची बीसी के, तो आपको सिद्ध ये करना है कि एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी होता है। सबसे पहले अपन इसमें लिखेंगे दिया है। कोई भी प्रमेय अपन सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले उसमें लिखते हैं दिया है। त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, ये आपको दिया है कि इस त्रिभुज की एक भुजा के समांतर। अब यहां ये डीई रेखा है, ये बीसी के समांतर खींच दी, तो डीई समांतर बीसी है, तो सीधा आपको करना है एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ईसी। ये अपन को सिद्ध करना है, इसे सिद्ध करना है एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ईसी। ये अपन को सिद्ध करना है एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ईसी। ये सिद्ध करने के लिए हम इसमें रचना करते हैं, हम इसमें रचना करते हैं बेटा। और इस रचना क्या करते हैं कि ये जो बी बिंदु है इसको ई से मिलाते हैं, सी को अपन डी से मिलाते हैं, और ये डी जी लंब एसी पर डालते हैं, और ये ई एफ लंब, ये ई एफ लंब ए बी पर खींचते हैं। ये आप लोगों को रचना करनी पड़ेगी, यानी बी को ई से मिला है और सी को डी से मिला है, डी जी लंब ए सी पर खींचा और ई एफ लंब ए बी पर खींचा। यहां पर लिखेंगे बीई व सी डी को मिलाया, बीई व सी डी को मिलाया, बीई व सी डी को मिलाया तथा डी जी लंब ए सी पर व ई एफ लंब EF लंब AB पर खींचा। ये अपन रचना करते हैं, B को E से मिलाते हैं, C को D से मिलाते हैं, DG लंब AC पर खींचते हैं और EF लंब AB पर खींचते हैं। ये आप लोगों को करना है। अगर आप ये रचना नहीं करोगे तो हम उसमें सीधा नहीं कर सकते कि AD अपॉन DB बराबर A अपॉन AC। उसके बाद अपन उत्पत्ति लेते हैं। उत्पत्ति में बड़ा आप लोगों को सबसे पहले ये ए बी भुजा को समानुपाती करना है, इसलिए ए बी भुजा पर हमारे पास दो ट्रायंगल बने हैं। एक तो त्रिभुज ए डी ई है, ये ऊपर ए डी ई, और दूसरा त्रिभुज यहां है बी डी ई। इस भुजा के ऊपर दो त्रिभुज बने हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों का जो शीर्ष लंब, जिसको अपन ऊंचाई कहते हैं, वो ऊंचाई जो रहेगी वो ई एफ रहेगी। तो अपन यहां लिख देंगे, पहले स्पष्ट ही लिख देते हैं बेटा, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज बी डी ई का शीर्ष लंब ई एफ। और दोनों त्रिभुजों के चाहिए हम इसका क्षेत्रफल निकालें, चाहिए इसका क्षेत्रफल निकालें, उनकी जो आपके पास ऊंचाई है वो दोनों में ई एफ है। इट मीन्स एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ द त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो एक बटे दो गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो एक बटे दो इंटू ए डी इंटू में ई एफ। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो एक बटे दो गुणा डी बी गुणा ई एफ,
एक बटे दो गुणा ए डी गुणा ई एल, एक बटे दो गुणा डी पी गुणा ई एफ, एक बटे दो से एक बटे दो, ई एफ से ई एफ। आपके पास क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर ए डी अपॉन डी बी। इक्वेशन फर्स्ट। इस तरीके से अपन ये समीकरण निकालते हैं। इसी प्रकार से बड़ा इस एसी भुजा को, अभी तो अपन ने एबी भुजा को समानुपाती किया है, अब आपको एसी भुजा को समानुपाती करना है, इसलिए इसमें ये एडीई तो कॉमन ट्रायंगल है एडीई, और नीचे बन रहा है सीई डी कह दो इसको, चाहे डीई सी कह दो। अब अपन लिखेंगे इस भुजा में त्रिभुज एडीई व त्रिभुज सीई डी का शीर्ष लंब डीजी है, इनका दोनों त्रिभुजों की जो ऊंचाई रहेगी वो डीजी है, इसलिए एरिया ओ इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे एडीई, इस भुजा पर बन रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज सीईडी, एडीई सीईडी, एडीई का पुनः क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो एक बटे दो इंटू ए, आधार इस त्रिभुज का है ए और ऊंचाई इसकी रहेगी अब डी जी, इसी प्रकार से नीचे वाले ट्रायंगल का एक बटे दो इंटू आधार रहेगा इसका ई सी और ऊंचाई जो रहेगी इसकी वो डी जी, डी जी से डी जी, एक बटे दो से एक बटे दो, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज सीईडी बराबर ए अपॉन ई सी। इक्वेशन नंबर दो। ये दो आपके पास आ गई। तीसरा, ये दो चीज कई बच्चे एक और दो से निकाले जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना, अब आपको लिखना है चूंकि, अब देखो इसमें तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे बीडी का क्षेत्रफल है और इसमें एडी का क्षेत्रफल बटे सीईडी का क्षेत्रफल है, तो ये सीईडी जो है ये इसमें अलग आ रहा है, तो अपन को इनको एक जैसा करना है क्योंकि एक ही आधार, देखो त्रिभुज बी डी ई सी ई डी, त्रिभुज बी डी ई बी डी ई बी डी ई व सी ई डी, इन दोनों का जो आधार है वो डी ई है, तो अपन लिखेंगे एक ही आधार, एक ही आधार डीई तथा समांतर रेखा, ए की आधार डीई तथा समांतर रेखा बीसी के मध्य बने दो त्रिभुज, बने दो त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होते हैं, एक ही आधार डीई तथा समांतर रेखा बीसी के मध्य बने दो त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होते हैं, इट मींस एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज सीईडी, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर तीन। एक ही आधार समांतर रेखा के बीच जो बने दो त्रिभुज हैं वो क्षेत्रफल में समान होते हैं, ये तीसरी इक्वेशन प्राप्त कर दी। और बेटा फिर इसके बाद लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड व थर्ड से, क्योंकि अपन जहां सीईडी लिखा है उसके स्थान पर बीडीई भी लिख सकते हैं और या बीडीई जहां लिखा है उसके स्थान पर सीईडी भी लिख सकते हैं, तो समीकरण एक दो तीन से हम कह सकते हैं कि एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ईसी, इति सिद्धम, हेंस प्रूव दैट इति सिद्धम एचपी। इस तरीके से अपन ज्ञात करते हैं। एक बार पुनः देखेंगे अपन। सिद्ध कीजिए 11.1 प्रमेय अपनी सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल, उसमें 11.1 प्रमेय है कि सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो त्रिभुज की अन्य दो भुजा समान अनुपात में विभाजित होती हैं। ये चीज अपन सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं एबीसी,
ये त्रिभुज बनाने के बाद उसमें ये करे एक रेखा, तो ये रेखा है डी की, डी की रेखा समांतर बीसी के, तो दिए में लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में डी ई समांतर बीसी, सिद्ध करना है एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ईसी। ये कैसे सिद्ध करें, इसके लिए रचना करनी पड़ेगी, बीई व सी डी को मिलाया, डी जी लंब एसी पर, ई एफ लंब एबी पर खींचा, उसके बाद उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति में हम पहले इस भुजा को समानुपाती करते हैं, तो त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज बी डी ई, इन दोनों का जो शीर्ष लंब है ऊंचाई है वो ई है, क्योंकि त्रिभुज का जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो इसमें अपन को ऊंचाई की जरूरत पड़ती है, तो एरिया ऑफ द त्रिभुज एडी अपॉन एरिया ऑफ द त्रिभुज बीडी, मतलब त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल बराबर एक बटे दो गुणा आधार रहेगा एडी, ऊंचाई रहेगी ई एफ, तो एक बटे दो इंटू एडी इंटू ई एफ। नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो एक बटे दो इंटू आधार इसका रहेगा डीबी इंटू ऊंचाई रहेगी इसकी ई एफ, ई एफ सी एफ कैंसिल, और आपके पास त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल बराबर एडी अपॉन डीबी। इक्वेशन फर्स्ट, पुनः अपन ऊपर त्रिभुज एक तो एडीई लिया, दूसरा त्रिभुज हम इसमें लेते हैं सीईडी, एडीई व सीईडी का शीर्ष लंब डीजी है, अब इसका शीर्ष लंब ये है मतलब ऊंचाई, अब इन दोनों त्रिभुजों का पुनः क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो एरिया ऑफ द त्रिभुज एडीई अपॉन एरिया ऑफ द त्रिभुज सीईडी बराबर एक बटा दो इंटू ए इंटू डीजी। इसी प्रकार से सीईडी का ज्ञात करेंगे तो एक बटा दो गुणा ईसी, ईसी इंटू डीजी, डीजी से डीजी, एक बटे दो से एक बटे दो कैंसिल, एरिया ऑफ द त्रिभुज एडी अपॉन एरिया ऑफ द त्रिभुज सीईडी बराबर ए अपॉन ईसी। इक्वेशन नंबर दो, ए के आधार डीई तथा समांतर रेखा बीसी के मध्य बने दो त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होते हैं, अतः त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ द त्रिभुज सीईडी का क्षेत्रफल, ये समान होते हैं समीकरण एक दो तीन से, एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ईसी, इति सिद्धांत। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, थैंक यू, धन्यवाद।